हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक और ब्रांड न्यू अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। अब इस वीडियो में मैं शूट करने वाला हूँ फेज़ वन के पैकेज वन का अपडेट, जो कि शुरू होता है आपके सामने ये खजूरी पुस्ता के पास वज़ीराबाद रोड की क्रॉसिंग से, और यहाँ से जाता है ऑल द वे पाबी सादकपुर गांव तक, जो कि आता है दिल्ली शामली हाईवे पर, जहाँ पर ये पुस्ता एंड होगा। अब इस अपडेट में आप देखेंगे कि ये जो मेन अलाइनमेंट है, ये कुछ एरिया में, ये जो इनिशियल आप 8-10 पिलर्स देख रहे हैं, इसमें ये रहेगा एलिवेटेड सेक्शन, क्योंकि इसको वज़ीराबाद रोड की क्रॉसिंग को ऊपर से क्रॉस करते हुए आना है। वहाँ पर दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन भी है और वज़ीराबाद रोड का फ्लाईओवर भी है, तो ये एक्सप्रेसवे डबल हाइट पिलर्स के साथ उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ आता है, और इस एरिया में आकर के ये एलिवेटेड सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ ये चलेगा ग्रेड लाइन पर, और इसी में सेंटर में होगा मेन अलाइनमेंट और लेफ्ट एंड राइट साइड पर होगा जो कि लोकल ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए होती है सर्विस लेन्स। दो दो लेन्स ईच साइड वहाँ पर होंगी। वो अब ये जो आप बीच में आप अपने सेंटर में देख रहे हैं, ये होगा इस एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट, जो कि चलेगा ग्रेड लाइन पर। अब इस अपडेट को आप आगे प्लीज़ एंजॉय कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सेंटर में जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा है, ये है इस एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट, और लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे जहाँ पर ये टेम्पोज चल रहे हैं, ये है सर्विस लेन्स। अब ये जो सामने आपने पिलर्स देखे हैं, ये है नीचे से ब्रिज, ताकि जो लोकल ट्रैफिक है वो यू टर्न कर सकें और यहाँ से लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकें बिना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर आए, और ताकि जो मेन एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है, वहाँ का जो ट्रैफिक है, उनको भी मूवमेंट में कोई डिस्टरप्शन ना हो, जो लोकल ट्रैफिक है उनको भी कोई मूवमेंट में परेशानी ना हो, इसलिए इस तरीके के अंडर पासेस बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली पुलिस के जो एकेडमी है उसका कट, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर भी जो अपने आपने देखा कट, वहाँ पर भी एक अंडर पास बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट अच्छे से हो सके लोकल ट्रैफिक की। उसके बाद हम फिर से आ चुके हैं सेंटर में, आप अलाइनमेंट देख रहे हैं मेन, जिस पर एक्सप्रेसवे चलेगा। साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो साइड वॉल्स हैं उनका काम लेफ्ट हैंड साइड पर कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ जो ऊपर बॉर्डर्स है, सेफ्टी बॉर्डर्स, उनका काम अभी यहाँ पे चल रहा है। बाकी जो मेन अलाइनमेंट की जो ग्रेड लेन्स हैं, उनका काफ़ी हद तक काम कंप्लीट है। DBM की लेयर्स कुछ पेंडिंग हैं, कुछ हो चुकी हैं, उसके बाद जो ब्लैक टॉप की लेयर है उनका वर्क शुरू होगा। ऑल दो ये काम अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा होना है, बट जो भी डेडलाइन है, हम जैसे कि देख रहे हैं दिसंबर 2023 की है, तब तक वी कैन गेस कि ये जब तक काम कंप्लीट हो जाएगा।
दोस्तों, ये इस एक्सप्रेसवे के इस पर्टिकुलर पैकेज का एक ऐसा एरिया है जिस पर कि काफ़ी पहले ही काम काफ़ी अच्छी स्पीड पर चल रहा था। बेसिकली ये जो पुश्ते का पैच है, इसमें सबसे पहले इसी पर्टिकुलर पार्ट में काम शुरू हुआ था और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस भी इसी पर है। वह आप इस चीज़ को नोट कर सकेंगे कि दोनों साइड के जो साइड वॉल्स का काम है और जो ऊपर सेफ्टी साइड वॉल्स हैं वो भी कंप्लीट हैं। ऊपर जो लाइन का वर्क है, ग्रेड लाइन का, वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट है। इवन ब्लैक टॉप की एक लेयर तो इस एरिया में बना भी दी जा चुकी है और जो फाइनल लेयर्स हैं उनका काम अभी पेंडिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी देखिए, जो सर्विस लेन्स का एरिया है वो भी वहाँ पर ब्लैक टॉप की लेयर बन चुकी है। ये है अंडरपास लोकल ट्रैफिक के लिए, ये भी बन करके तैयार है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सेंटर का पार्टीशन है वो भी बन के तैयार है। जो DBM की लेयर्स थी वो तो ऑलरेडी हो ही चुकी हैं और साथ ही साथ जो ब्लैक टॉप की लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर बनकर तैयार है। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये इसका फाइनल अपडेट है। ये इसी तरीके का आपको बन करके दिखने वाला है पूरा का पूरा ये पुश्ते का रूट। तो वैसे तो ये अपडेट में पूरा आपको पाबी सादकपुर गांव तक, जहां पर ये पुश्ता ख़त्म होना है वहां तक शो करने वाला था, बट क्योंकि मौसम ख़राब था और आगे चलते चलते बारिश आ गई थी, इसलिए मेरे को इस अपडेट का शूट यहीं ख़त्म करना पड़ा। इससे आगे का अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।